hello everyone i am rahul kumar priyapti and today we will discuss on the topic of medieval period this is the ninth chapter of class 7th in sst <coughs> medieval period history is generally divided into three periods the ancient the medieval the modern in class 6 i think यू माइट हैव स्टडीड अबाउट एंशियंट हिस्ट्री बट इन क्लास सेवेंथ यू विद स्टडी अबाउट मेडुलल पीरियड इन क्लास सेवेंथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेडुलल पीरियड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आपने क्लास सिक्स में जो है एंशियट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और क्लास सेवेंथ में मैं आपको मेडिवल पीरियड के बारे में बताने जा रहा हूँ वैसे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये थ्री पार्ट्स में बटे हुआ है बटा हुआ है एनशियट मेडिवल एंड मॉडर्न अगर यूरोपियन यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो यूरोपियन सिविलाइजेशन में फिफ्थ सेंचुरी से लेकर फिफ्टीन सेंचुरी तक मेडिवल पीरियड होता है बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन पीरियड देन इट इज़ एक्सेप्टेड एट टू एटीन सेंचुरी तो भारतीय uh, समय के अनुसार एट से एट सेंचुरी से लेकर के एटीन सेंचुरी तक मेडुअल पीरियड का समय एक्सेप्ट किया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इम्पॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप अमेरिका एंड इंडिया एशिया इस पीरियड में ढेर सारे चेंजेस जो है सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में यूरोप अमेरिका और एशिया में देखने को मिलते हैं दो इन एंशियन पीरियड इंडियन कल्चर हैड रिमेन अलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड द मेडिवल पीरियड इंडियन कल्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस बाई चेंजेस दैट टू प्लेस इन अदर कंट्रीज़ यद्यपि एंसियनट पीरियड में इंडियन इंडियन कल्चर जो है बहुत uh, दूसरे देशों से बहुत दूर रहा लेकिन मेडिवल पीरियड में ढेर सारे विदेशी आक्रांता आए और उनके uh, उन्होंने भारत को uh, भारत पर अटैक किया और भारत के कुछ क्षेत्रों को विजित भी किया और भारत को uh, लूटा भी <coughs> इसलिए वो अलूफ नहीं रह पाए यानी अलग नहीं रह पाए देन दिस इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन इकॉनमी लैंग्वेज एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल इवन टुडे और ये प्रभाव जो है कल्चर के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यह हमारी इकोनॉमी या भाषा के रूप में देख देखने को मिलता है जैसे मेडुवल हिस्ट्री में आपने देखा है कि बहुत सारे विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए उन्होंने पर्सियन लैंग्वेज यानी फारसी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर और एनशियन टाइम में आप देखोगे बहुत सारे संस्कृत लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये चला करते थे देखिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कैसे हम जान पाते हैं मेडुअल पीरियड के बारे में द मेन सोर्सेज ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑफ़ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर लिटरेचर एंड आर्क्योलॉजिकल फाइंडिंग्स द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज़ बेस्ड ऑन पुरान एंड स्मृति हम मेडुअल हिस्ट्री के बारे में लिटरेचर यानी उस समय लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं और कुछ आर्क्योलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं यानि पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें उस समय उपयोग हो रही थी उन चीज़ों के अध्ययन के द्वारा हम उस समय के बारे में जान सा जान पाते हैं जैसे वो मनका हो सिक्के हो स्मारक हो ठीक है इसके आधार पर हम आ, सब पुरानी सभ्यता को जान पाते हैं उनके रिलीजियस धार्मिक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं उनकी कमेंट्रीज़ के बारे में जान पाते हैं वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड मिलिट्री मिलिट्री कंडीशन ऑफ़ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क ऑन मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी ड्रामाज स्टोरीज एंड अदर लिटरेचर देखिए हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में पॉलिटिकल क्षेत्र में या मिलिट्री कंडीशन के बारे में और नॉन रिलीजियस वर्क जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में जैसे चरक ने एक चरक संहिता ग्रंथ लिखी थी तो ये तो एन टाइम में हो गया तो मेडिसिन के बारे में इसी तरह मेडिकल हिस्ट्री में भी जानकारी मिलती है और एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र के बारे में जैसे एस्ट्रोनॉमी ड्रामाज ड्रामा के बारे में और दूसरे लिटरेचर जो है जो लिखे गए हैं मेडिकल पीरियड में उससे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ऑटोबायोग्राफीज ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स एंड लेटर्स

ऐसा ही एक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे चंद्र बरदाई उन्होंने पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ की रचना की थी जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने का एक बहुत बेहतरीन स्रोत है वो उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताता है कि नॉर्थ इंडिया में लोग लोगों का जीवन कैसे था पृथ्वीराज चौहान कैसे रहते थे नेक्स्ट मुस्लिम रूलर्स मुस्लिम रूलर्स इनक्रेज द ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स द वेल नोन वर्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीक ए हिंदरूनी रिटन बाई अलबरूनी आई ने अकबरी रिटन बाई अल अबुलफल विच रिटेन मेनली इन पर्सियन, देखिए दो मेन ग्रंथ हैं तहकीक़ ए हिंद जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी के तीन पार्ट हैं तीसरे पार्ट जो है अकबर नामा है और अकबरनामा जो है अकबर के अकबर के विषय में बताता है और ये जो ग्रंथ हैं ये पर्सियन लैंग्वेज में लिखे गए अकबरनामा अकबर नामा जो है ये पर्सियन यानी फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है द ट्रेवल अकाउंट ऑफ द फॉरिन विजटर्स लाइक द इब्न बतूता मार्को पोलो एंड बर्नी इसका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी है आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड तो बहुत सारे विदेशी यात्री uh, जो है घूम घूमते रहते थे और uh, और जो है उन राज्यों के विषय में जानकारी इकट्ठा करते थे जहाँ जहाँ वे जाते थे और वो अपनी पुस्तकों में लिखा करते थे ऐसे ही एक यात्री है इटली का यात्री मार्को पोलो एक यात्री है जिसका नाम है मार्को पोलो इसी तरह एक यात्री है इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी इन लोगों के ग्रंथों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलती है the significance achievement of this period was the popularity and availability of paper which encouraged the writing of records rulers temp uh, temples and monasteries collected these manuscripts which are the major source of information about this period देखिए सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो है इस काल में का जो माना जाता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर यानी जब पेपर का आविष्कार हो गया तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई जैसे शासकों के शासकों के बारे में टेंपल्स के बारे में मोरस्टीज़ के बारे में ढेर सारी चीज़ें उन कागजों पर लिखा जाने लगा और बहुत सारी पांडुलिपियाँ बनी मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई लिपियाँ और ये हमारी जानकारी का एक बहुत बेहतरीन सोर्थ है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि रिका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का काम करती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडर गॉन वेरियस चेंजेस इन द ग्रामर वोकेबलरी एंड मीनिंग आर इंटरप्रटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स देखिए कई बार ऐसा होता था कि एक राइटर कुछ कोई बुक लिख के चला गया उस राइटर को पढ़ करके के दूसरा कोई राइटर अगर लिखने जो है गया तो उसको जो चीज़ें याद रहीं या उस बुक में से कोई पन्ना फट गया है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको लिखता चला गया इस तरह से उस मेन फैक्ट में भी चेंजेस आते जाए उनके व्याख्याओं में भी अंतर देखने को मिलते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल दर्ड हिंदुस्तान इज़ रेफोर्ड बाई द सम पीपल एज प्लीज वे आर द हिंदू लीड जैसे हिंदुस्तान वर्ड जो आता है जो हिंदुस्तान वर्ड जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं वैसे सिंधुस्तान वैसे वो लोग हिंदू नहीं कहना चाह रहे थे वो लोग सिंधु कहना चाह रहे थे सिंधु को सिंदुस्तान कहना चाह रहे थे जो जो विदेशी यात्री आए वो सिंधु को सिंधुस्तान कहना चाह रहे थे लेकिन वो को ह स को ह होनाउंसिएशन कर पाए इसलिए हिंदुस्तान नाम बढ़ पड़ गया हमारे हमारे देश का बट टूडे मैनी पीपल टेक एन एक् टू द वर्ड एंड वॉन्ट टू रेफर टू टू इट एज इंडिया ओनली लेकिन आज के समय में हम बहुत सारा एक्सेप्शन है आज भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया आई ई भारत अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड मिलता है वो इंडिया यानी भारत मिलता है हेंस टर्म दैट दैट आर इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एट टाइम्स टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह से जो है हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ग्रंथ हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लिखे गए हैं विभिन्न समय पर लिखा गया है तो वो भारत की कल्चर के बारे में सोशल सोशल कंडीशन के बारे में और भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन करता है दो मैन्यू स्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉर्ड ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस एट द फास्ट पेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक्स दियर जॉब क्वाइट थ्रू दो जद्यपि ढेर सारे चूँकि कागज जैसे ही आ, बहुत सारे लोग जो है मैन्यू स्क्रिप्ट लिखते थे पांडू लिपिया या अपनी हाथ से लिखी हुई लिपियाँ होती थी तो उन लिपियों से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है और जैसे जैसे समय बदलता जाता है विकास होता चला जाता है लोग लोगों के जॉब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती चली जाती हैं द मूमेंट ऑफ़ द पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वेविंग फूड वेविंग फूड एक्सेट्रा तो लोग जाप किस तरह का जाप करते थे एग्रीकल्चरल जाप ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर थी हमारी जो है भारत की जो है इकोनॉमी जो है भारत जो है कृषि प्रधान देश ही रहा है तो एनसीएन टाइम से ही जो है एग्रीकल्चर होता रहा है मेरे देश में तो उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं वेविंग के बारे में फूड के बारे में लिखा हुआ है मेनी रैंक्स एंड डिफ्रेंसीशंस मोज इन द सोसाइटी और हमारे समाज में जो है लोग बहुत आ, कई भागों में बटे हुए थे जैसे ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है तो इसके बारे में लिखा हुआ है दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाइक द पर्सियन व्हील स्पिनिंग व्हील एक्सेट्रा ये देखिए ये मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड जो है एक ऐसा पीरियड था जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे पर्सियन व्हील है स्पिनिंग व्हील है एक्सकेवेशन ऑफ मेडिकल टाउन सराइज एंड विलेजेस, एलॉन्ग विद द पेंटिंग्स मोनमेंट्स स्कल्चर क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन आल्सो गिव अस अ लॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर देखिए बहुत सारे जो एक्सकेविशन हुए सराय का एक्सकेविशन हुआ टाउन का एक्सकेविशन हुआ जो पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें दब जाती हैं उसका उत्खनन होता है तो उत्खनन होने के बाद जो है आ, बहुत सारी सभ्यताओं का पता चलता है जैसे टाउन है जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो वो तो एंसियंट में था तो उसी जब पृथ्वी के नीचे से चीज़ें खोदी जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मेडुगल टाइम के भी देखने को मिलती हैं ठीक है तो टाउन्स के बारे में इंफॉमेसन मिलती है सराय के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और पूरे के पूरे गांव के बारे में जानकारी मिल जाती है इसके साथ साथ वहाँ कौन कौन सी पेंटिंग्स थी जैसे एंशियन uh, टाइम में तो आपका भिम्बेडकर राटर्स मिलता था और मेडिगल पीरियड में बहुत सारे भवन भवन बनाए गए तो भवन की दीवारों पर भी जो पेंटिंग्स की गई हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है बहुत ढेर सारे भवन बनाए हैं जैसे आगरा का ताजमहल जो है वर्ल्ड फेमस है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ढेर सारी मूर्तियाँ जो है मेडुगल पीरियड की मिलती हैं क्वाइंस है, है। बहुत सारी मूर्तियों को वो जो है मेडुगल पीरी पीरियड में बहुत सारे आक्रमण मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और उनको तोड़ करके जो है गंगा में बहा दिए थे तो और क्वाइंस के बारे में भी जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी मिलती थी इसके साथ साथ जो हमारी समाज जो मेडुगल समाज था और मीडि समय में जो कल्चर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन फॉलोइंग चैप्टर्स अब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जो है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस तरह से आपका ये चैप्टर इसका एक्सप्लेनेशन फिनिश uh, होता है थैंक uh, यू